हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ठंडाई की रेसिपी। आपको पता है होली आई गई है, बल्कि मैं थोड़ा लेट हो गई डालने में, और मैं आपको बता देती हूँ आज फटाफट ठंडाई बनाते हैं, और आप भी फटाफट बनाइए जिससे कि होली वाले दिन आप अपने आने वाले गेस्ट फ्रेंड्स सबको पिला सकें। तो आइए मैं आपको उसके पहले इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। ये मैंने देखिए 3 अराउंड टेबलस्पून मैंने ये बादाम लिए हुए हैं, 2 टेबलस्पून काजू है, 2 टेबलस्पून पिस्ता है, सादा वाला पिस्ता है, एंड ये खसखास लिया हुआ है अराउंड 2 टेबलस्पून, ये खरबूजे के बीज है अराउंड 2 टेबलस्पून, ये 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च है साबुत, और ये 1.5 से 2 टेबलस्पून अराउंड ये सौंफ है, और ये 10 मैंने मोटी इलायची ली, छोटी इलायची ली है सॉरी, और थोड़ा ये रोज पेटल्स हैं। वैसे तो ड्राई रोज पेटल्स यूज करते हैं, पर हमने सारा सोक करके बना रही हूँ मैं, तो इसलिए मैंने यही फ्रेश लेनी है पेटल्स। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए एक बाउल में पानी लिया हुआ है। सबसे पहले हम ये सारे ये जितने भी ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हुए हैं, इसको ये देखिए सबको हम सोक करके, कोशिश आप ये करिए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इसको ओवरनाइट आप सोक करके रात में रख दीजिए और सुबह ठंडाई बना लीजिए। अगर नहीं है तो आप कम से कम इसको 6 से 8 घंटे ज़रूर इसमें पानी में सोक करके रखिएगा, क्योंकि ये है कि अच्छे से सोक हो जाएगा तो पीस भी अच्छे से जाता है। वैसे खसखास इसको ड्राई भी पीसा जाता है, सबको सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई भी, पर क्या होता है कई बार मॉइस्चर रह जाता है ना, तो वो अगर आप मसाला पीस के रखो ड्राई तो उसमें अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर रह गया तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए हमारा ये हो गया है अच्छे से, इसको मैंने पानी में भिगो के ओवरनाइट मैं इसको रख रही हूँ। अब मैं इसको सवेरे के टाइम पे इसको सारा पीस लूँगी, और आगे का क्या प्रोसेस है ठंडाई बनाने का और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पानी में अच्छे से भिगो दिए हैं, और इनको अब हम मिनिमम 6 से 8 घंटे भिगो के रखेंगे या ओवरनाइट। आपको अगर जल्दी है तो आप भिगो लीजिए और शाम तक आप पी सकते हैं इजीली, और नहीं तो ओवरनाइट भिगो दीजिए। अब हम इसको भिगो दिया है मैंने, अब इसको मैं ढक के रख दूँगी और इसके बाद मैं इसको पीस लेती हूँ, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस मैं आपको फिर बताती। ये देखिए मेरा इसका मिक्सचर पूरी रात पानी में मैंने सोक करके रखा था, अभी अच्छे से सोक हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें इसको ग्राइंडर में डाल के हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको हम ग्राइंडर में शिफ्ट कर लेंगे, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको 2 बार में हम अच्छे से इसको डाल के, और याद रखिएगा पीसते समय इसमें थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे क्योंकि ऐसे ही अच्छे से पिसेगा नहीं, थोड़ा सा पानी इसी का जो पानी इसमें भीगे हुए कई पानी हम यूज़ कर लेंगे, हम ये पानी डालेंगे। और इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ हमने ऐड करनी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गुलकंद, ये आपको इजीली पान की शॉप से मिल जाएगा। ये मैंने 1 चम्मच डाला, इससे जो इसका टेस्ट और जो टेक्स्चर होता है ये ठंडाई का जो मार्केट वाली ठंडाई होती है काफ़ी कुछ वैसा ही आ जाता है। तो ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच, और रोज़ पेटल्स भी डाले ही थे ऑलरेडी थोड़े से आपने देखा ही था। तो अब हम इसको अच्छे से बारी बारी करके ये पूरा जो मिक्सचर है इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, और बहुत महीन ये देखिए इसको हमने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल। जनरली कई लोग होते हैं कि इसको स्ट्रेन करते हैं, पर स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने अच्छे से हमने इसको पीसा है। और पीसते समय एक बात का और ध्यान रखिएगा कि पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करने की ज़रूरत लग रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते रहिएगा। अब हमने अराउंड देखिए 1 लीटर के करीब पानी लेना है, और इसको गर्म करने रख दिया मैंने, और उसमें मैं 2 कप भर के शुगर डाल दूँगी इसको, और शुगर को हमने मेल्ट कर लेना। आप हिलाते रहें तो इसको हाई फ्लेम पे कर लीजिए जिससे जल्दी हो जाएगी, इसको मेल्ट करना है। और उसमें देखिए मैंने थोड़ा सा केसर लिया हुआ है 10-12 इसके धागे, वो केसर भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से इतना करना है हमने ये जो शुगर है ये मेल्ट हो जाए बस। देखिए शुगर हो गई है, अब इस टाइम पे हम इसमें जो हमारा ये बनाया हुआ था पीस के रखा हुआ था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। शुगर हमने 2 कप इसलिए डाली है क्योंकि आप इसके देख ही रहे हैं कि इससे अच्छे खासे ठंडाई बन जाएगी,
काफी गेस्ट आते हैं, काफी फ्रेंड्स होते हैं होली में, तो ये पड़ा है, इसमें भी मैं पानी डाल के और इसको करूँगी। जब तक पहले हिलाना है, इसमें लम्प ना बढ़ जाए, इसको हिलाते रहना है, क्योंकि बस ये तो नीचे लगने का डर होता है और लम्स ना बढ़ जाए, ये दोनों चीज़ों का, तो इसको हमें हिलाना है। अब ये देखिए इसका, ये देखिए अभी इसको हमें अच्छा मीडियम फ्लेम पे करके इसको अराउंड 10 से 15 मिनट इसको पकने में लगेंगे ठंडाई को, तो इसको हम 10 से 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेते हैं ठंडाई को। देखिए इसको 15 मिनट हो गए हिलाते हुए, अब इसकी ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, अभी अभी इसको 5 से 7 मिनट हमें और करना है, इसी तरह हिलाते रहना है 5 से 7 मिनट, तो हम इसको हिला लेते हैं 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे हम। चलिए 5 मिनट 7 मिनट और कर लेते हैं। ये देखिए हमने 5 मिनट और कर लिया है, अब ये देखिए हो गया है बिल्कुल, ये देखिए अब ये बिल्कुल हो गया है, ये देखिए देखिए पीछे भी टिक रहा है, बाहर बह नहीं रहा है, तो ये हो गया है बिल्कुल हमारा। अब इस टाइम पे हम इसको बंद कर देंगे और ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा, अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं, फटाफट अपनी ठंडी ठंडी ठंडाई बनाते हैं। चलिए इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। देखिए हमारी ठंडाई बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने इसको 4-5 घंटे रख दिया है जिससे अच्छे से ठंडी हो गई है। अब आप इसकी ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गई। आप इसे ग्लास बॉटल में किसी में भी डाल के आप अपना रख दीजिए इसको, और ये आराम से आपको इतना हमने इसको पकाया है, ये आपके आराम से 3-4 महीने आराम से ये चलेगी। बस इसको एयर टाइट बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दीजिए और जितना यूज़ करना डाल के आप यूज़ करते रहिए। अब होली के लिए भी तैयार होगी ठंडाई, आइए सर्व कर देते हैं, और आप फटाफट बनाइए और होली में अपने सब फ्रेंड्स गेस्ट सबको ये ठंडाई पिलाइए। आइए हम इसको सर्व करते हैं। कि अब हम इसको सर्व करेंगे तो ठंडी ठंडी आइस डालेंगे, बाकी आइस के बाद अपनी कितना आपको पीना है ठंडा उसी हिसाब से डालिए। अराउंड देखिए 2 टेबल स्पून करीब, और बाकी देखिए शुगर का आपको ये ध्यान रखना है कि शुगर आप कितना मीठा पीते हैं आप उसी हिसाब से पियेंगे डालेंगे। अगर आपको शुगर कम लग रही है इसमें जितना मैंने डाला है, उसके बाद इसमें ठंडा पानी डालेंगे, 2 से 2.5 टेबल स्पून आप इसको ठंडाई डालेंगे इसमें, उसको अच्छे से स्टर कर देंगे। ये हमारी ठंडी ठंडी ठंडाई स्टर करके अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए इतनी सारी बनी है, आराम से आपका यूज़ करते रहिए, सभी को बुलाइए और आप अपने लिए भी फ्रिज में डाल के रखिए। अब हम इसको सबको सर्व कर देते हैं। देखिए अब ये हमारी ठंडाई सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठंडी ठंडी ठंडाई। चलिए आप बनाइए, आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और मेरे अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।